कैसा रहा दिन? ठीक था। इस्माइल, वो मैं कह रही थी कि अगर मोहिनी का इलाज करवाया जाए तो क्या पता कुछ बेहतरी आ जाए। इस तरह तो उसके लिए बड़ा खतरा है और हमारे लिए मुश्किल। मोहिनी का इलाज हो रहा था, बेहतरी भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर गीती की तबीयत खराब हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके इलाज में लग गया। मेरी बस यही कोशिश थी कि किसी तरीके से वो बच जाए, इस घर का सुकून बच जाए, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गीती हमें छोड़ के चली गई और फिर कहाँ मोहिनी का इलाज होना था। अब तो बस एक ही इलाज है, नींद की गोलियां और जंजीर। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और अब तो मैं आ गई हूं तो हम उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जैसा आप। मैं खाना बना लूं, बच्चे ट्यूशन से आते होंगे। आप एक मिनट बैठिएगा, आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। कही है? वो आपा का फोन आया था, अंबर के रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी कि वो जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अम्मी जी मुझसे ज्यादा आपके करीब हो गई हैं। मुझे तो फोन नहीं किया उन्होंने, हालांकि मेरे पास फोन भी है, मेरी तो बल्कि बात भी हुई थी, ऐसा जिक्र भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी एक रिश्ता बताने के लिए। मेरे ऑफिस में एक नया इंटर्नी अपॉइंट हुआ, अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, हमारी उम्र के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या ठीक? जब आप ही रिश्ते करवाने वाली खाला बनना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज होगा। आप चाय पिए, मैं खाना बना दूं।